तो दोस्तों अब ये बात सुनकर आपको बेहद ही ज्यादा खुशी महसूस होगी क्योंकि हाल ही में भारतीय रेलवे ने बुलेट ट्रेन से भी तेज रफ्तार वाली ट्रेन को भारत में लाने के लिए 2023 के यूनियन बजट में काफी सारे नए प्रोजेक्ट्स को ऐड किया है। अब भारतीय रेलवे फ्यूचरिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन पे काफी ज्यादा फोकस कर रही है और इसी रीजन के वजह से उन्होंने ये नए प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया है। तो भारत के इस नए मेगा प्रोजेक्ट्स में जो सबसे पहला प्रोजेक्ट है वो है हाइपरलूप, दूसरा है पानी से चलने वाली ट्रेनें यानी कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेनें, और तीसरा है एल्यूमिनियम कोचेस। तो दोस्तों मैं आपको ये जानकारी के लिए बता दूं कि रेलवे ने इन तीनों ही प्रोजेक्ट्स पे काम शुरू भी कर दिया है। तो चलिए अब बात करते हैं पानी से चलने वाली ट्रेन यानी कि हाइड्रोजन ट्रेनों के बारे में। दरअसल रेलवे यहाँ पर अपनी हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना चाहते हैं डीजल इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट्स में यानी कि DEMU ट्रेन में। रेलवे इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सोनीपत वाले सेक्शन जो कि नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में वहां पर करेगी। तो दोस्तों अभी फिलहाल ये रेलवे का पायलट प्रोजेक्ट है, लेकिन यहाँ पर रेलवे ये टेस्ट करेगी कि कैसे वो अपनी इन डीजल वाली ट्रेनों को हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों के साथ रिप्लेस कर दे। भारत में हाइड्रोजन ट्रेनों को लाने का मकसद सिर्फ एक ही है क्योंकि ये काफी ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली होता है, साथ ही साथ ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। हाइड्रोजन ट्रेनों की मदद से हम हर साल 2 करोड़ से भी ज्यादा की सेविंग कर लेंगे और हाइड्रोजन ट्रेनें बुलेट ट्रेन को काफी हद तक टक्कर भी देगी। जब रेलवे का ये एम्बिशियस हाइड्रोजन वाला प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाता है तो रेलवे अपनी डीजल से चलने वाली ट्रेनों को हाइड्रोजन वाली ट्रेनों के साथ रिप्लेस कर देगी। तो मैं आपको ये जानकारी के लिए बता दूं कि भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का ट्रायल रन 2023 में किया जाएगा सोनीपत वाले सेक्शन में। तो चलिए अब बात करते हैं बुलेट ट्रेन से भी फास्ट ट्रेन के बारे में जो कि है हाइपरलूप ट्रेन। भारत में जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है उसकी जो रफ्तार है वो 320 किलोमीटर प्रति आर की है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हाइपरलूप ट्रेनों की जो रफ्तार होती है वो 1200 किलोमीटर प्रति आर की होती है। तो जैसा कि हम देख पा रहे कि ये कितना ज्यादा फ्यूचरिस्टिक और फास्ट ट्रांसपोर्टेशन है, रेलवे के ऐसे प्लान्स है कि वो हाइपरलूप प्रोजेक्ट के लिए अलग से लैंड एक्विजिशन नहीं करेगी क्योंकि वो अपने इस प्रोजेक्ट को अपने रेल ट्रैक्स के आसपास ही बनाना चाहते हैं। और हाइपरलूप को भारत में लाने के लिए रेलवे अभी काफी सारे प्रयास कर रही है। दरअसल उन्होंने IIT मद्रास के साथ पार्टनरशिप भी कर ली है। IIT मद्रास ने भारत के पहले हाइपरलूप प्रोजेक्ट का एक मॉडल सक्सेसफुली तैयार कर लिया है और अब इसके ट्रायल रन के लिए रेलवे उन्हें फंडिंग देना चाहती है। और अगर सब कुछ सही रहा तो हमें दुनिया का पहला हाइपरलूप प्रोजेक्ट भारत में देखने मिलेगा और ये एक हमारे लिए काफी बड़ी सफलता होगी। इतना ही नहीं दोस्तों, अब रेलवे अपनी बुलेट ट्रेन फ्रेट ट्रेनों को भी लाना चाहती है। फ्रेट बुलेट ट्रेन का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी जापान और चाइना जैसे देश में इस्तेमाल किया जा रहा है। इन फ्रेट बुलेट ट्रेन की जो रफ्तार होती है वो 320 किलोमीटर से लेके 400 किलोमीटर प्रति आर की होती है। इन ट्रेनों का इस्तेमाल फ्रेट और गुड्स ट्रांसपोर्ट में किया जाता है। दरअसल रेलवे के ऐसे प्लान्स है कि इन फ्रेट बुलेट ट्रेन ट्रेनों को वो अपने मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर में ही चलाएंगे। इस तरह की ट्रेनों की मदद से रेलवे ना सिर्फ पैसेंजर सेगमेंट बल्कि गुड्स और ट्रांसपोर्ट पर भी काफी ज्यादा फोकस कर पाएगी। तो दोस्तों रेलवे अब अपने नॉर्मल कोचेस को एल्यूमिनियम से बने हुए कोचेस के साथ रिप्लेस करने वाली है और इस पर उन्होंने काम शुरू भी कर दी है। हाल ही में भारत में पहली एल्यूमिनियम से बनी हुई ट्रेन बनकर तैयार भी हो चुकी है और ये पूरी तरीके से मेड इन इंडिया है और ये भारत के लिए काफी बड़ी सफलता है। दरअसल एल्यूमिनियम से बने हुए कोचेस को लाने का एक ही मकसद है, ये ट्रेनों की रफ्तार को बढ़ा देते क्योंकि ये हमारे नॉर्मल कोच के कंपेयर में वजन में काफी ज्यादा हल्के होते। अगर हम नंबर्स की बात करें तो उसके कंपेयर में ये 3 से 4 गुना ज्यादा तक हल्के होते। साथ ही साथ इन एल्यूमिनियम से बने हुए कोचेस को बनाने का जो कॉस्ट होता है वो हमारे नॉर्मल कोचेस के कंपेयर में काफी ज्यादा कम होता है। तो ये कुछ प्रोजेक्ट्स को रेलवे ने 2023 के यूनियन बजट में ऐड किया है। तो इस पर आपकी क्या राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं इस चैनल पे भारत की ऐसी अपडेट लाते रहता हूँ। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद।